प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। पीएम की छत्र छाया में इन कारोबारियों का कारोबार बहुत फला फूला है। एक तरफ देश की जनता की जेब हल्की होती गई तो दूसरी तरफ अडानी अंबानी के व्यापार में तेजी आती गई। ऐसे में अगर गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट केवल अडानी की कंपनी को मिल जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूपी चुनाव के कुछ महीने पहले ही पूर्ववर्ती सरकारों के कामों का फिर से शिलान्यास करने का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। जनता के पैसे से बन रहे 36,200 करोड़ के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा जाएगा। अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का काम है इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 464 किलोमीटर हिस्सा बनाना। अडानी को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इसके लिए स्वीकृति पत्र भी मिल गया है। अडानी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करेगा। सबसे पहले बदायूं से हरदोई तक 151.7 किलोमीटर का निर्माण कार्य होगा। दूसरा, हरदोई से उन्नाव तक 155.7 किलोमीटर का निर्माण होगा और तीसरा, उन्नाव से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे का 157 किलोमीटर का हिस्सा बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा जिसके बाद में 8 लेन तक का इसका विस्तार किया जा सकता है। देश के होने वाले सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा हिस्सा पीएम के करीबी मित्र अडानी की कंपनी बना रही है। मायावती द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का फिर से शिलान्यास करके बीजेपी सरकार जनता को बहला रही है और मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, हेडलाइन के आगे का सच नहीं दिखा रही है। एक तरफ आर्थिक असमानता से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ अडानी अंबानी की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। एक तरफ देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की 22% आय है और आधी आबादी यानी 50% के पास मात्र 13% आय है, तो वहीं एशिया के पहले और दूसरे सबसे अमीर शख्स के तौर पर अंबानी और अडानी का नाम है। एक तरफ एक महीने में ही लाखों सैलरीड लोगों की नौकरियां खत्म हो जा रही हैं तो दूसरी तरफ अडानी को कोयले से लेकर एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। क्या मोदी जी के न्यू इंडिया की तरक्की में सबका साथ सबका विकास जरूरी नहीं है?